तेलंगाना कांग्रेस निर्मल प्रेसिडेंट रामाराव पाटिल ने महंगाई को लेकर मरकज़ की मोदी और रियासत की केसीआर हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। रामाराव पाटिल ने बीबीएन के नुमाइंदे रब्बानी से भैंसा शहर में बात करते हुए आवाम को आने वाले इलेक्शन में सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। आइए, हमारे साथ मौजूद है निर्मल के प्रेसिडेंट रामाराव साहब, कांग्रेस लीडर जो जाने मानी हस्ती है, आइए उनसे थोड़ी तफसील में बात करेंगे। सबको आदाब। पिछले 7 सालों से अपने स्टेट में टीआरएस राज्य कर रहा है और देश में नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार राज्य कर रही है। भाई, पिछले कांग्रेस के पीरियड से अभी तुलना करने गए तो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। गरीब जो तकता है, इस देश में बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो मोदी ने लोगों को वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, हर चीज़ के दाम कम हो जाएंगे, गरीब तबका अच्छा बचेगा इस देश में, गरीबों को न्याय मिलेगा, ये कहते हुए उन्होंने जो नारा चालू किया, हमारे देश के जनता ने उनको चुन के दिया। मगर आज पोजीशन देखे तो जब 2014 में कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो टाइम में पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट आज के रेट में डबल फर्क हो गया। डीजल वो टाइम में 52 रुपये से 55 रुपये था, आज 104 रुपये से 105 रुपया है। पेट्रोल 60 रुपया था, आज 115 रुपया है। ये पेट्रोल डीजल बल के नहीं है, देश के हर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अपने पहनने के जो कपड़े हैं, रहने के वास्ते जो बनाना है वो चीज़ें हैं, हर चीज़ अब इस देश में और महंगाई बढ़ गई है। मगर काश्तकार जो पैदा करते हैं, जो फसल 24 घंटे मेहनत करके फसल निकालते हैं, उनको मगर 7 साल में जो रेट था आज वही रेट है, उसमें दुगना नहीं हुआ। मित्रों, आज का जो स्टेट गवर्नमेंट रंदो, सेंट्रल गवर्नमेंट रंदो जो राज कर रहा है, ये महंगाई का शिखर पहुंच चुका है। आज हर चीज देखो, जब गरीब लोग मकान बनना चाहते हैं तो वो टाइम में कांग्रेस सरकार में हमारे पास सीमेंट का रेट 190 रुपये से 195 रुपये था, आज 450 रुपये में भी अच्छी क्वालिटी सीमेंट नहीं मिल रहा। स्टील का रेट देखो तो जो स्लैब को डालते वो अब वो टाइम में 3500 रुपये था, आज 6500 रुपया है। ईंट का दाम वो टाइम में 3 रुपये से मिलता है, आज 8 रुपये से मिल रहा। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन के हद तक रंदो, खाने पीने के चीज़ के हद तक रंदो, और अपन जो जहाँ जा रहे थे उसके हद तक रंदो, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। जैसा कि हम 7 साल के नीचे मोटरसाइकिल खरीद लिए तो 55,000 रुपये में थी, आज उसका 1,00,000 रुपया रेट हो गया, हर चीज़ दुगना बढ़ गई। बोलो तो जिन्होंने जो वायदा किया था हम महंगाई खत्म करेंगे और जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको हम सजा देंगे, आज कहाँ गए? मोदी सरकार तुम्हारे राज में आज मालिया रंदो, नीरव मोदी रंदो, और हमें जो जो बड़े हस्तियाँ आज बैंकों में घोटाला करके निकल गए उनका आज तक तुम जेल तक नहीं भिजाए, और जिस दिन तुम वायदा करे थे 15,00,000 रुपये गरीब के अकाउंट में डालेंगे बोलिए वो किधर गया? कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, 2% बेरोजगारी थी आज 14% बेरोजगारी बढ़ गई। हर चीज़ देखे तो आज जो तो साधारण आदमी बचना मुश्किल हो गया। ऐसे सरकार को अभी आने वाले इलेक्शन में ज़रूर यहाँ के आवाम, हमारे देश के आवाम उनको जवाब देंगे, और ये जो महंगाई बढ़ाई ये बहुत गरीब लोगों के वास्ते बहुत
बुरी खबर है। और आज रेलवे स्टेशन में गए तो 5 रुपये में अपना प्लेटफॉर्म का टिकट मिलता था, आज 50 रुपये हुआ। बस में हम 10 रुपये में बासा जाते थे, आज 30 रुपया हुआ। हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई और साधारण आदमी बचना मुश्किल हो गया। अभी आने वाले दिनों में हर आवाम सोचो कि इससे पहले जो कांग्रेस सरकार अच्छी थी, अब है तो TRS सरकार, हम तो BJP सरकार अच्छी है। आपको सोचने का टाइम आया। आने वाले दिनों में ये आपने ये जो पार्टियों को आप बिल्कुल सवाल करते हुए इनको आने वाले दिनों में हटाना अपना जरूरी है बोलते मैं कहते हुए 2 शब्द समाप्त करता हूँ। खुदा हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल, गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 9390558802, 8686-78110, 8919-72-3020।